रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर व्यक्ति का जीवन सुगम बना रही है। हर घर तक बिजली, पानी, रसोई गैस पहुंचाया जा रहा है। गरीबों को निशुल्क राशन मिल रहा है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस और दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को भाजपा के मीडिया सेंटर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन के दौरान कई लोगों ने रेलवे के साथ साथ पोस्ट ऑफिस और दूरसंचार सेवाओं को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में रेल मंत्री से सवाल किया। रेल मंत्री ने बारी बारी से हर एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने रेलवे और दूरसंचार को लेकर अपनी समस्याएं भी रखीं। रेल मंत्री ने अफसरों को इन शिकायतों को नोट करने का निर्देश दिया। रेल मंत्री ने संबंधित लोगों का मोबाइल नंबर लेते हुए कहा कि इन मामलों का समाधान कराकर उन्हें सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस के साथ लोगों का जुड़ाव बहुत पुराना है। जनता से जुड़ी हुई कई सेवाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शुरू की जा रही हैं। रेल टिकट की बुकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग के काम पोस्ट ऑफिस से शुरू हो रहे हैं। लोगों को अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सुविधाएं मिलनी शुरू होने लगी हैं। डाकियों के माध्यम से सुदूरवर्ती गांव तक जन सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऐसी पवित्र भूमि में आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। दायित्व दिया तो उन तीनों विभागों की बात पहले करूंगा। उत्तर प्रदेश जितने बृहद विशाल प्रदेश को, जिसकी जनसंख्या या क्षेत्रफल कई विश्व के कई देशों से ज्यादा है, उसके प्रति यूपीए सरकार का, कांग्रेस का कैसा भेदभाव वाला आचरण था, सबसे पहले उसके बाद 2009 से 2014 यूपीए सरकार के समय उत्तर प्रदेश में रेलवे के लिए मात्र 1100 करोड़ प्रतिवर्ष आते। इतने बड़े विशाल राज्य के लिए 1100 करोड़ से क्या हो? हजारों हजारों किलोमीटर की रेलवे है, इतने सारे कम से कम 1000 के आसपास स्टेशन है, कोने कोने से लोग जुड़ते हैं रेलवे से। ऐसे बड़े प्रदेश के लिए मात्र 1100। 2014 में मोदी जी ने आते ही सीधा इसको 5200 करोड़ किया। 2014 से 2019 5200 करोड़ प्रतिवर्ष सालाना रेलवे के लिए आवंटित। 19 के बाद में फिर बढ़ाते गए, पहले 8000 किया, 10000 किया, और इस वर्ष रेलवे के लिए 14671 करोड़ इस साल आवंटित है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल संख्याएं नहीं है, ये केवल आंकड़े नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो रेलवे की सेवा लेते हैं? आप सभी लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने आज से 10 साल पहले के स्टेशन से आज के स्टेशन की परिकल्पना में परिवर्तन देखा है? स्टेशन इम्प्रूव हुए हैं, सुधरे हैं, ट्रेन सुधरी है। ज्यादा जितने पुराने प्रकल्प थे, हर एक प्रकल्प में एक अलग गति है। ये होती है किसी राज्य के प्रति श्रद्धा, राज्य के प्रति सेवा भाव, राज्य के प्रति दायित्व का बोध। ये वो एक भावना होती है। उस भावना से लोग गांव के, मैं तो गांव में पैदा हुआ था, गांव से निकले हम लोग, किसी तरह से अपनी मेहनत करके पिताजी का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद, किसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी सुविधा होती है डाकिया की, पोस्टमैन की। ये जो परिवर्तन होता है ना, ये परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो किसी